ये फिल्म बनाने वाले लोग कैसे पैसे वेस्ट करते हैं और हम जैसे लोगों का वक्त बर्बाद करते हैं, यही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और ऐसे पिक्चरें करके ही ना ये एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कैसे टैक्स इवेशन करते हैं ये हमें पता चलता है। और टैक्स इवेशन करने के बाद इन लोगों का कौन कौन किस प्रकार से फायदा उठा सकता है यही हमें इस फिल्म में देखने के लिए मिलता है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत, जहाँ पे मैं क्या आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त, बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद के शुरुआत करते हैं आज का लोग। तो बात करते हैं 2021 में आया Amazon Prime पे उपलब्ध तेलुगु फिल्म मोसगलु फिल्म के बारे में। तो इस फिल्म के कहानी में हमें ब्रदर सिस्टर डियो की जोड़ी देखने के लिए मिलती है, जिन्हें अपने बचपन में गरीबी में रहकर बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी और बड़े होकर जैसे हो सके वैसे इलीगल धंधे करने की कोशिश करते हैं। विष्णु मंशु एक कॉल सेंटर में काम करता है और वहां के क्लाइंट्स के पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है ताकि वो उनको डार्क वेबसाइट पे बेच सके, जहां पे हम और आप लोगों के पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्कैमर्स को बेचे जाते हैं और यही स्कैमर्स एक जाल बिछाकर हम लोगों को ठगते हैं। लेकिन पैसे के लालच में और अपने कॉल सेंटर के बॉस के मदद से US में इंडिया से बैठ के कैसे फ्रॉड करने का उसकी तरकीब सोचते हैं और टैक्स कलेक्टर बन के उनसे पैसे लूटने का। अभी हम लोगों ने आप लोगों को तो दिया ही है ना, अभी हम आपसे 4 गुना लगान वसूल करेंगे। वैसे US वाले ने हमसे लगान नहीं लिया था, वो लिए थे अंग्रेज। और क्योंकि एक लीगल मनी ट्रांसफर के जरिए पैसे लूट रहे होते हैं, इसलिए US वाले उनके पैसे पे रोक लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि सिर्फ एक बड़ा बंगला और बड़ी ऑफिस और काफी सारे पैसे कमाकर उनका पेट भरा नहीं होता है और उदास गांड लेकर बैठा होता है, उसी समय उसे दूसरा आइडिया सूझता है कि हम पैसे गिफ्ट कार्ड से निकाल ले तो कैसा रहेगा। अभी टैक्स की गोली देकर उनसे पैसे गिफ्ट कार्ड के जरिए निकाल के हवाला से पैसे यहाँ पे लाकर मस्त में नोट छापने का तरकीब उनको पता चल गया। लेकिन US की कमीशन जो उनके पीछे पड़ी है और कॉल सेंटर के गुप्त खबरी के मदद से वो हैदराबाद के एक लोकल वफादार पुलिस वाले को टिप दे के इस केस को सॉल्व करने के लिए कहती है, और वो है अपना अन्ना। बहुत सारे पैसे और एक क्रिमिनल कलीग को साथ रखने की वजह से पुलिस की आंख नाक कान इन पे पड़ती है और एक दिन पुलिस वाले उनके कॉल सेंटर के अंदर रेड मारते हैं और दुबे में अपने ब्लैक पैसे को व्हाइट में कर वहां पर सफल पूर्वक भाग जाने के बावजूद भी वो 6 महीने बाद इंडिया में खुद आकर सरेंडर करता है और पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से 10 महीने की जेल की सजा काट के वापस बाहर आ जाता है। बाकी सारे पैसे कहां गए वो एक राजी है। जिस चीज के लिए साउथ इंडियन फिल्म बदनाम है ना, वही चीज आपको इस फिल्म के अंदर देखकर आपकी मेमोरी रिफ्रेश करती है। टोटली वेस्ट गार्बेज 2 घंटे 12 मिनट का ये फिल्म टोटल टाइम वेस्ट है। मुझे तो ऐसे लगता है इनकी टीम में से किसी मेंबर ने IMDb पे ढेर सारा पैसा खिला के इसको 6.18 का रेटिंग दिलाया है। मतलब IMDb भी बिका हो गया है, 3 का भी रेटिंग नहीं मिलना चाहिए था इसको। अन्ना का तेलुगु जिसने डब किया है ना, ऐसा लगता है वो अन्ना को जानता भी नहीं और अन्ना के डायलॉग्स और वो डबिंग आर्टिस्ट के डायलॉग आज ये बात मैच नहीं होते, किसी का किसी से कुछ मेल ही नहीं। जब अन्ना का पेमेंट रोक दिया जाता है और उसके बच्चे घर पे भूखे मर रहे हो, उसकी बीवी उसको बर्तन से मार मार के उसका जीना हराम कर रही है, तब अन्ना अपने पंटर को लेकर डायरेक्टर घर पे ऐसा पूछता है। जब पता चले डायरेक्टर मस्त में सबके पैसे खाकर दुबई भाग गया है, तब अन्ना का डायलॉग ये होता है, इस फिल्म में वो सुनील शेट्टी है ही नहीं। ऐसा लगता है ना वो सुनील शेट्टी के घर पे पूरा टीम जाकर भूख हड़ताल पे बैठी थी, अभी उसको जबरदस्ती इस फिल्म के अंदर काम करना पड़ रहा है, वो भी फ्री में। तो इस फिल्म को रेट किया है PG-13, मतलब 13 साल के नीचे बच्चों को पैरेंटल गाइडेंस मस्ट है और वो जरूरी भी है ताकि आपके बच्चे आगे ऐसा कुछ ना करें या फिर ऐसा कुछ करने के बारे में ना सोचे, क्योंकि पैसे के साथ साथ वो खुद भी एक राज बन जाएंगे, ठीक विजय और नीरव जैसे। फैमिली को साथ लेकर भी ये फिल्म ना देखे क्योंकि फैमिली 100% बोर हो जाएगी और उनको भी ये फिल्म पसंद नहीं आएगा। आप अपने आप से भी मतलब प्राइवेटली भी ये फिल्म देखोगे तो झेल नहीं पाओगे, इसलिए प्राइवेटली भी ये फिल्म देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा इस फिल्म में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। कहानी काफी अच्छी है, ऐसा हुआ है US और कनाडा में अभी भी हुआ है, मुझे खुद को ऐसे काइंड ऑफ फोन कॉल आए हैं। हाल ही में लास्ट ईयर ब्रैम्पटन में भी एक परिवार को पकड़ा गया है, ऐसे ही पैसे कमाकर उसने एक बहुत बड़ा मैंशन बनाया था। यहाँ की भी पुलिस मुंबई आई थी लेकिन भाग गए वो कॉल सेंटर वाले। पाकिस्तान में भी रेड डाला था, तो ऐसे बहुत कुछ हुआ है।
होता है और आगे बहुत कुछ होगा। लेकिन मुझे इस फिल्म में फील्ड वर्क जीरो लगता है, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें दिखाई गई है और एकदम से एक लाइन में कैसे होता है ये बताया है। लेकिन इस फिल्म को बहुत ही अच्छे डिटेल्स के साथ बनाया जा सकता था, लेकिन डायरेक्टर ने बिल्कुल इसके ऊपर काम नहीं किया है, एक्टर्स लोगों ने एक्टिंग के ऊपर काम नहीं किया है, डायलॉग्स बराबर से बोले नहीं है, सिनेमेटोग्राफी तो मतलब वो कहां का कहां जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, और एक्शन सीक्वेंस तो इस फिल्म के अंदर सिर्फ दो ही है, ऐसा लगता है बच्चे लड़ रहे हैं। मतलब ये शॉट देखेगा तो आपको पता चलेगा कितना फेक है, जब ये सांड जिस हिसाब से इसको घुसा मार रहा है उस हिसाब से तो इसकी सारी अंतरिया भरानी चाहिए थी, असल जिंदगी में तो इंसान का सीधा स्वर्गवासी होगा। इसीलिए बिल्कुल भी ये फिल्म मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म में से सारे कंटेंट्स देखकर खत्म कर दिया ना, बहुत ही अच्छा काम किया, अपने आंखों को भी थोड़ा आराम दो, जाकर विश्रांति लो। वैसे भी इस बेचारे 2020 से है ना, आने वाले समय में हमारे युवा पीढ़ी में ये ऑनलाइन क्लासेस के वजह से और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के दुआ से काफी सारे डबल बैटरी सिंगल पावर होने वाले हैं। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग या कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद घंटे का आइकन दबाने का, उसके बाद तुरंत ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए वीडियोस आएंगे तभी आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और अगर आप वीडियोस देखने वालों में से नहीं हो तो मेरे प्रोजेक्ट नोवन पॉडकास्ट को भी जाकर सुन सकते हैं, मैं वहां पे फिल्म के रिव्यूज डालते रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे ब्लॉग भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। तब से फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, मां बाप को परेशान करने का नहीं, बाजोली को उगा छेड़ने का नहीं। बाय।